स्टूडेंट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल माई हेल्थ 2021। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे फार्मेसी प्रोफेशन के रिलेटेड एज वेल एज हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करते रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो मैंने आज इसलिए बनाया जो स्टूडेंट्स अभी 12th पास हुए हैं और जो इंटरेस्टेड है फार्मेसी को एडमिशन लेने के लिए, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा है। उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है हाउ टू फिल द फॉर्म, हाउ वेयर टू गो एंड हाउ टू अप्लाई फॉर द डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स। तो उनके लिए वीडियो है, वीडियो अंत तक के देखिए ताकि आपका सब डाउट्स एडमिशन से रिलेटेड क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, आप अगर अप्लाई करना है डिप्लोमा इन फार्मेसी को तो आपको जाना है www.dtemaharashtra.gov.in। ये वेबसाइट पे जाके आपको आपका पूरा डिटेल भरना है। वहाँ पे जाने के बाद में आपको एक दिखेगा पोस्ट HSC डिप्लोमा इन फार्मेसी, वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में इफ़ यू आर न्यू, अगर पहली बार ही आप लॉगिन हो रहे हैं तो यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ, राइट। सो आप रजिस्टर होने के बाद में आप अपना सब इन्फॉर्मेशन उसमें, एक आपका एप्लीकेशन ID जनरेट होगा और आपका पासवर्ड आपको पता रहेगा। तो ये सब होने के बाद में आपको लॉगिन करना है और जो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। आपने अपलोड करने के बाद में आपकी तरफ से फॉर्म कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में वो फॉर्म को आप जैसे ही फिलअप करोगे ऑनलाइन, यू विल कम अक्रॉस टू पॉइंट्स, वन इज़ फिजिकल स्क्रूटिनी एंड सेकंड में वन इज़ ऑनलाइन स्क्रूटिनी, राइट। अगर आप कोई नज़दीक के फैसिलिटेशन सेंटर में आपके सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाहते हैं तो दैट फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर यू। अदरवाइज यू कैन जस्ट पुट ऑनलाइन वेरीफिकेशन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन या ऑनलाइन स्क्रूटिनी आप करोगे तो आपका फॉर्म ऑनलाइन स्क्रूटिनी के लिए जाएगा और विद इन 1 or 2 hours यू विल गेट द मैसेज दैट योर एप्लीकेशन इज वेरीफाइड। आपका एप्लीकेशन तब तक के सिस्टम में नहीं आएगा जब तक के आपका एप्लीकेशन फैसिलिटेशन सेंटर से वेरीफाई ना हुआ हो। ये कंपलसरी है कि आपने एप्लीकेशन फिलअप कर दिया, एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद में आपको वो फैसिलिटेशन सेंटर से अप्रूव करा के लेना है। अप्रूव करा के लेना है मतलब वो वेरीफाई करा के लेना है। जब तक कि आप वेरीफाई नहीं करोगे, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कि फॉर्म तो फिलअप करते हैं सब करते हैं और IFSC से वेरीफाई नहीं करते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपको मैंने दो प्रोसेस बताया, एक ऑनलाइन स्क्रूटिनी, वन अनदर वन इज ऑफलाइन स्क्रूटिनी। ऑनलाइन स्क्रूटिनी करोगे तो अपने आप आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन आपको चेक करना है आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। वेरीफाई होने के बाद में आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेना है सो दैट आप एक सेफ साइट पर बता सकोगे कि मेरा फॉर्म वेरीफाई हुआ था या वेरीफाई हुआ है, राइट। ये वेरीफाई होने के बाद में क्या रहेगा, एक प्रोसेस होने के बाद आपको मेरिट लिस्ट जनरेट होगा, एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जनरेट होगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जनरेट होने के बाद में जस्ट यू हैव टू चेक ऑल द डिटेल्स, आर दे करेक्टली फिल्ड अप और नॉट। ये देखने के बाद में आपको क्या करना है, अगर उसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक या फिर और कुछ मिस्टेक, तो DT विल गिव यू वन मोर अपॉर्चुनिटी। दैट पीरियड इज कॉल्ड एज द ग्रीवियंस पीरियड। वो ग्रीवियंस पीरियड के दौरान आप अपना क्वेरी अराइज करके नज़दीक के फैसिलिटेशन सेंटर पे जाके आप अपने एप्लीकेशन में चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद में आता है फिर फाइनल मेरिट लिस्ट, इसमें आपका नाम चेक कर लेना है या नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद में एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस। ये भी सभी सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस के ही रोल्स है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट रोल है एडमिशन प्रोसेस का, दैट इज कैप राउंड 1, कैप राउंड 2। तो इसके बाद में आपका मेरिट लिस्ट के बाद में कैप राउंड 1 होगा, बाद में कैप राउंड 2 होगा, और ये दोनों राउंड के पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपका ऑप्शन चेक यानी आपका ऑप्शन फिलअप करने का, या फिर आपका ऑप्शन जो भी आपको लगेगा वो ऑप्शन देने का। जैसे 3 या 4 कॉलेज को मुझे ऑप्शन देना है तो मैं ऑप्शन दे सकता हूँ, पहला नंबर का मेरा ये कॉलेज मिलने को ना, दूसरा नंबर का ये, तीसरे नंबर का एंड फोर्थ नंबर का ये, वॉट एवर इट मे बी। यू कैन गिव मोर देन 200 ऑप्शंस, राइट। सो दिस प्रोसेस इज नॉट फॉर अकोला, अमरावती, बुलढाणा और यवतमाल लाइक दैट, इट इज फॉर एंटायर महाराष्ट्र। सो फ्रॉम अ प्लेस, जहाँ पे भी आप हो, जो भी इंटीरियर में हो या माइक्रो इंटीरियर में हो, वहाँ से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। देर इज नो नीड टू कम टू द फैसिलिटेशन सेंटर ऑल्सो फिजिकली इफ इट इज नॉट पॉसिबल। तो यू जस्ट यू हैव टू क्लिक दैट ऑनलाइन स्क्रूटिनी, उसमें आपका स्क्रूटिनाइज हो जाएगा। बट द थिंग इज दैट यू शुड
get it confirmed from facilitation center. Unless and until it is verified by the facilitation center, your application is not valid for the process. वो करने के बाद में जैसे मैंने बताया ऑप्शन फॉर्म रहेगा, ऑप्शन फॉर्म होने के बाद सो नेक्स्ट प्रोसेस इज दैट आपको अगर फर्स्ट राउंड में ही आपका फर्स्ट ऑप्शन मिलता है तो देर इज नो नेसेसिटी टू गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन. जो आपका ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, यू विल बी अलॉटेड दैट कॉलेज. बट इफ यू वोंट गेट दैट फर्स्ट ऑप्शन इन द फर्स्ट राउंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द अनदर राउंड. आपको जस्ट क्या करना है कि वो सीट फ्रीज ना करते हुए जस्ट आपको एक फ्लोट ऑप्शन आएगा, वो फ्लोट करके रखना है, नॉट फ्रीज करके. नॉट फ्रीज करके आपको करना है. अगर आप नॉट फ्रीज कराते हो तो दैट ऑप्शन विल बी अवेलेबल इन नेक्स्ट राउंड ऑल्सो. अगर आपका सपोज मे बी हो सकता है सेकंड नंबर का ऑप्शन मिला फर्स्ट राउंड में तो यू कैन गो फॉर द सेकंड राउंड ऑल्सो. सेकंड राउंड में आपका ये सेकंड नंबर, फर्स्ट राउंड में जो सेकंड नंबर का कॉलेज मिला है ये अगर आप नॉट फ्रीज करोगे तो वो आपका कॉलेज एज इट इज रहेगा सेकंड राउंड में. लेकिन आपको नॉट फ्रीज नहीं करते हो तो वो ऑप्शन भी चला जाएगा. आपको क्या करना है, नॉट फ्रीज करना है, यू हैव टू गो अहेड फॉर द सेकंड राउंड. वो ऑप्शन वैसे ही रहेगा. नेक्स्ट सेकंड राउंड में अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है तो ओके, अगर नहीं मिलता है तो सेकंड राउंड में सेकंड ऑप्शन विल बी एज इट इज. What you have to do after that, you have to report the college. जो कॉलेज में आपका नंबर लगा है वो कॉलेज में जाके आपको रिपोर्टिंग करना है. अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो कॉलेज में जाके ऑन दैट पर्टिकुलर डेट तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है. तो ये सब प्रोसेस आपको कराना है. जस्ट मैं आपको एक रिवाइज करूँगा विद इन वन मिनट. क्या करना है आपको, जस्ट जाके न्यू रजिस्ट्रेशन करना है. न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद यू हैव टू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट. आपने अपलोड करने के बाद में आइदर यू हैव टू चूज ऑनलाइन स्क्रूटिनी और ऑफलाइन मोड, दो में से एक करके आपको वो हिसाब से आपका फॉर्म वेरीफाई करना है. वेरीफाई करने के बाद में यू हैव टू चेक द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसमें सब चीज़ें सही है या नहीं है वो देखना है. उसके बाद में यू हैव टू गो फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट चेकअप. फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम देखना है. उसमें नाम देखने के बाद में कैप राउंड वन कैप राउंड टू होगा. बोथ प्रोसीजर के पहले आपको ऑप्शन फॉर्म भी डालना कंपलसरी है. अगर आप ऑप्शन फॉर्म नहीं डालोगे तो आपको कोई भी कॉलेज मिलेगा नहीं. राइट, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द ऑप्शन फॉर्म करेक्टली. ऑप्शन फॉर्म डालने के बाद में आपको मेन रोल यह है, फर्स्ट या सेकंड राउंड में आपको जो कॉलेज होना फर्स्ट राउंड में होना है, सेकंड नंबर का मिला है तो भी देन स्टिल यू वांट टू गो टू दैट कॉलेज, तो फ्रीज करना है. वो कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना है कि मेरा एडमिशन यहाँ ये आपके कॉलेज में हुआ है. यू हैव टू प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू दैट कॉलेज एंड यू हैव टू गेट यूर एडमिशन कन्फर्म फ्रॉम दैट कॉलेज. राइट, ये प्रोसीजर है. जब तक के आप कॉलेज में जाके आपका रिपोर्टिंग नहीं करोगे तब तक के आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है. सो फ्रेंड्स, आई हैव गिवन यू एंटायर इन्फॉर्मेशन अबाउट द DTE प्रोसेस ऑफ द डिप्लोमा इन फार्मेसी एडमिशन 2021. आपको अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो यू कैन टेक्स्ट मी अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल आंसर योर क्वेरी. सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.